चलो क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक सिलेंडर है आपके पास, इट्स ह्यूज सिलेंडर, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस सिलेंडर इज अ सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर समझते हैं, मतलब अगर सपोज अगर आप इसको एक सिलेंडर का शेप इमेजिन करोगे पूरा सर्कल अगर, और अगर ये पानी का बोतल खाली होगा देन दिस विल बी कॉल्ड एज वॉटर, फॉलो सिलेंडर. और अगर ये पूरा भरा हुआ है पानी से नहीं, इसी प्लास्टिक के मटेरियल से, कैन यू इमेजिन दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अ सॉलिड सिलेंडर. क्या हो गया, क्या हुआ, मुझे लगा सब लोग चिल्लाएंगे ना वगैरह, फंस गया. ऐसा होता है ना क्लास में, यू थिंक दैट एवरीवन इज गोइंग टू गिव द आंसर इन कोरस, पर आप अकेले गधे की तरह चिल्ला रहे हो पूरा क्लास पूरा. होता है ऐसा, आई फील नॉस्टैल्जिक. नाउ व्हाट इज दिस, इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है. मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ना एक होल कर देता हूँ. Do you get it? So there is a hole in this cylinder. Are you getting it? So ये सब कुछ जो है ना यहाँ पर पूरा material present. Can you imagine this? यहाँ पर पूरी जगह पे material is present. In fact यहाँ पर भी material is present. Do you understand this? है ना, ये पूरा material इस तरह से present. अब बीच में तो हॉलो हो गया ना पूरा, तो मैंने बीच में क्या किया, बीच में मैंने एक और सिलेंडर डाल दिया. आर यू गेटिंग इट, और ये जो बीच में नया सिलेंडर डाला ना, उस नए सिलेंडर का डायमीटर और ओरिजिनल बड़े से सिलेंडर का जो डायमीटर है वो सेम है, जो होल वाला है. मैंने क्या बोला समझा, ये जो ब्लू वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर और रेड वाले सिलेंडर के होल का डायमीटर, अरे तभी तो अंदर फिट हो गया, पूरा पैक हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ ऐसा जगह वगैरह बचा नहीं. तो इट इज लाइक एक सिलेंडर था पूरा सॉलिड, उसमें होल किया और होल के अंदर एक दूसरा सॉलिड सिलेंडर डाल दिया. डू यू गेट इट. नाउ इस सिलेंडर के इस वाले साइड पे मान लो टेम्परेचर है T1, और इस सिलेंडर के इस वाले साइड पे टेम्परेचर है T2, तो हीट तो फ्लो करेगा ऐसे, है ना. ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में माना जाएगा या पैरेलल में, क्यों, अलग अलग हीट फ्लो कर सकता ना यार. देखो ना, ये रेड वाला अपना हीट लेके जाएगा H1, है ना, और ये ब्लू वाला अपना हीट लेके जाएगा, इसको कुछ लेना देना नहीं. आर यू गेटिंग इट. पैरेलल में ना याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीजें होती हैं, हीट का जो करंट है ना वो अलग अलग होता है. डू यू गेट इट, हीट करंट इज व्हाट, हो सकता है ऊपर से 5 कैलोरी जा रहा है और बीच में से खाली 2 कैलोरी जा रहा है, हो सकता है अपना अपना अलग अलग करंट लेके जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है. अगर आप सिर्फ रेड वाले सिलेंडर को देखते हो, रेड वाले सिलेंडर तो लेफ्ट में क्या टेम्परेचर है, T1, राइट में क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ. और अगर आप ब्लू वाले को देखते हो तो लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T1 - T2. तो रेड वाले के लिए भी डिफरेंस T1 - T2, ब्लू वाले के लिए भी डिफरेंस T1 - T2. तो वही तो बोला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, लेकिन हीट करंट कैसा होता है. डू यू गेट इट, समझ में आ रहा है पक्का. ये एज अ नोट लिख लेना इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले. अच्छा, यहां पर आपको ये पूछा है कि अगर मैं एग्जैक्ट उन्हीं का क्वेश्चन लूं, बिकॉज दिस इज सम कोई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये उनका ये कहना है कि दिस सिलेंडर, इसमें जो आउटर सिलेंडर है ना, आउटर सिलेंडर रेड वाला, इसका कंडक्टिविटी है K1, और जो ब्लू वाला है उसका कंडक्टिविटी है K2. रेड वाले का रेडियस है 2R, अरे गेटिंग इट, यहां तक, और ब्लू वाले का रेडियस कितना है, सिर्फ R. डू यू गेट इट. और आपसे पूछा है
what is K equivalent? Do you understand this? Mm-hmm. What are they looking for? K equivalent. K equivalent क्या होता है बोलो? K1 ये parallel combination है. Mm-hmm. Parallel combination में K equivalent का formula क्या होता है? K1 plus K2 upon A1 plus A2. K equivalent होता है K1 plus A2 upon A1 plus A2. आप लोगों में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दो पन्ने पलटा के फॉर्मूला देख रहे हैं. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी लेक्चर में आ रहे हो 5 या 10 मिनट इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि आज के लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेटली वो पिछले लेक्चर से मिलता जुलता ही होगा. अब अगर आपको पिछले लेक्चर की चीजें याद नहीं है तो आप क्या करते हो, ऐसा पेज पलटा के देखने लगते हो, अरे हाँ इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये. या पढ़ नहीं रहे हो, या आप सिर्फ काम चल रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला ओके ओके ऐसे ऐसे वैल्यू डालना, ओके फाइन हो गया. दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी, यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए था. एनीवेज, अभी K1 का वैल्यू क्या है? K1 ही. A1 मतलब क्या? एरिया. रेड वाले का एरिया. अरे हाँ या ना? ठीक है, A1 मतलब क्या? रेड वाले का एरिया. रेड वाले का एरिया निकालोगे कैसे? रेड वाले का एरिया क्या होगा? मैं कौन से बात कर रहा हूं, अभी ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया डालोगे? ये जो एरिया होता है ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. अरे यार समझ में आ रहा है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? वैसे 2πRh आया ना, बट आर यू सपोज टू लुक एट द कर्व्ड सरफेस एरिया? अरे आपको क्रॉस सेक्शन देखना ना सिलेंडर. अगर ये इज दिस अ सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कल. अरे यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना होता है, यहाँ पे कुछ भी एरिया लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई 2r का स्क्वायर. लेकिन उसमें होल भी तो किया है माइनस. अरे यार होल को क्या करोगे? माइनस पाई. डू यू गेट इट? यस. समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? K1 A1 प्लस K2. A2 मतलब क्या? ब्लू का, ब्लू वाले का एरिया ना. ब्लू वाले का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2, मतलब रेड वाले का और ब्लू वाले का एरिया, मतलब दिस एंड दिस. आया ना? मतलब पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 4πr2. आया ना? न्यूमरेटर में क्या हो गया? ये कितना हो गया? 4r2 विद पाई. और ये क्या? पाई आर स्क्वायर. चार में से एक गया, कितना? ये 3πr2. इस तरफ क्या है? K1 प्लस इस तरफ क्या है? K2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड? अब क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी. व्हाट आर यू लेफ्ट विद? ये लेकर हो गया सबका? फाइन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में वापस उन्होंने एक वॉल दिया हुआ है आपको. मैंने आपको क्या बोला, वॉल के लिए और क्या क्या नाम यूज होंगे? या तो वॉल बोलेंगे या तो एंड डबल लेयर वॉल है इस बार भी. क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट दिस इज द वॉल. अच्छा, ये आप वॉल को फ्रंट से देख रहे हो कि साइड से? साइड से देख रहे हैं यार. मैंने आपको वही तो बोला था. ये हो गया वॉल का फ्रंट हो गया, लेकिन मैं कहां से देख रहा हूँ? मुझे थिकनेस दिखाई दे रही है. मैंने जो ड्रॉ किया वो भी थिकनेस है. अभी खाली बहुत ज्यादा थिकनेस, मोटी दीवार भी तो हो सकती है. अरे गेटिंग इट? एंड इवन दिस वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? टेल मी. 2 layers. डू यू गेट इट? द वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 layers. इसका ये वाला जो लेयर है इसका थिकनेस है x, और इस वाले लेयर का थिकनेस है 4x.
इसका कंडक्टिविटी है k, इसका कंडक्टिविटी है 2k, इस तरफ टेम्परेचर है T2 और इस तरफ टेम्परेचर है T1 एंड उन्होंने आपको दिया हुआ है कि T2 इज व्हाट ग्रेटर देन T1, समझ में आ रहा है? Yes, आपको बोला है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू a टाइम्स T2 माइनस T1 टाइम्स k अपॉन x इंटू f. आपका क्वेश्चन है फाइंड f. क्वेश्चन समझ में आ रहा है पहले? हेलो, क्या बोला उन्होंने? इट्स अ डबल लेयर वॉल. डबल लेयर वॉल में इस तरफ थिकनेस कितना है x, इस तरफ थिकनेस कितना है 4x, उस तरफ टेम्परेचर T2, इस तरफ टेम्परेचर T1. अब डेफिनेटली उन्होंने क्या बोला, T2 इज ग्रेटर देन T1. अब अगर T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है तो हीट तो फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा हायर टू लोअर, तो यहां से हीट जाएगा से H1, यहां से हीट जाएगा से H2. बट आई नो दैट H1 एंड H2 आर व्हाट, सेम है, बिकॉज़ सीरीज कॉम्बिनेशन ना, तो जितना हीट यहां से निकलेगा उतना पूरा हीट आगे जाएगा, आया ना? ओके, देन इफ H1 एंड H2 में कौन बड़ा है, H1 H2 में कोई बड़ा नहीं होगा, H1 H2 तो सेम होगा, D2 और D1 में कौन बड़ा है, D2 बड़ा है, इसका thickness x, इसका 4x, इसका k, इसका 2k conductivity. उन्होंने क्या बोला है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है इस प्रोसेस में, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, a टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस कंडक्टिविटी अपॉन x इनटू f, तो इसमें f की वैल्यू क्या होगी. अब इस क्वेश्चन में हिंट क्या है, आपको क्या करना है वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखेगा तो कुछ नहीं समझेगा, यहां से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा तुमको क्या आएगा, ये तो नहीं होगा, ये हिंट है, ये जो कुछ भी दिया ये क्या है, हीट मतलब क्या, क्यू, और रेट मतलब क्या, टाइम, मतलब ये किसका फॉर्मूला दिया उन्होंने, क्यू बाई डी, कि टोटल जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इतना है, टोटल जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इतना है. आगे अब हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है क्या आपने पास, क्या फॉर्मूला हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी स्मॉल टी अपॉन आर, आया ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, सॉरी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, K A T upon L, thickness बोलो या फिर length बोलो, क्या लिखोगे उसके, L लिखोगे, तो ये है मेरे पास formula. बट ये formula किसका है, ये formula rate of heat transfer का नहीं है, ये formula heat transfer का. अरे यार मुझे क्या चाहिए, rate of heat transfer, तो ये काम करेंगे, small t को इधर ले लूँ फिर, hello, तो ये Q by T का formula हो गया. अरे गेटिंग इट, बट बताए Q by T के formula की दिक्कत क्या है, इसमें जो डेल्टा टी होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर. ये हमने फॉर्मूला कहां से बनाया था, याद है, एक कंडक्टर होता है, आया ना, उसमें यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, तो यहां पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एक के लिए एप्लीकेबल है, तुम्हारे पास तो दो है. अरे यार अब अगर तुम इसको देखते हो तो ये T2 और ये कॉमन सर्फेस का जो डिफरेंस होगा वो, और अगर तुम इसको देखते हो तो कॉमन सरफेस और T1 का डिफरेंस देखोगे. अरे यार yes. और अगर तुमने सपोज समझो तुमने एग्जाम में चीटिंग करना है तुमको, तुम बोलोगे अरे मुझे तो ये दिखाई नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, अब तो एक ही हो गया. अरे यार अब तो पूरा एक ही हो गया ना. नाउ इफ यू सी दिस एंटायर थिंग एज वन, तो आप क्या बोलोगे, इधर T2 उधर, फिर भी आप गलत कैसे हो जाएंगे, मतलब अगर ये एक ही था तो दो अलग अलग कंडक्टिविटी कैसे. अरे यार समझ में आ रहा है, वापस एक बार Q का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Q upon T is what? K A K A delta T upon L, ये फॉर्मूला है किसका, हीट का, इसमें कोई डाउट है, हेलो, नहीं, फाइन. इसमें दिक्कत क्या है, डेल्टा टी क्या होता है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो भी टेम्परेचर है उसका डिफरेंस. अरे यार तो ये चीज मैं यहां पर क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ इसको देखा, अरे गेटिंग इट, तो क्या हो जाएगा, T2
माइनस कॉमन सरफेस। अगर तुमने सिर्फ इसको देखा तो क्या करोगे, कॉमन सरफेस माइनस की, और कॉमन सरफेस के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे यार, अगर पता होता भी तब भी आप कैसे खाली इसको देख लेते यार, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ आ रहा है, अगर मान लो कॉमन सरफेस का वैल्यू मालूम भी है तो ऐसा थोड़ी कि इसको इग्नोर करो, खाली इसको देख लेते हैं T2 minus whatever temperature is given, ऐसा कर सकते हो? अरे गेटिंग इट। दूसरा, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल कंडक्टर। इज दैट अ सिंगल कंडक्टर? मान लो अगर आपने, मैंने बोला ना वही चीटिंग कर रहे हो आप समझो कि ये आपको दिखाई नहीं, अगर आपने ऐसे ट्रीट किया तो आप ये तो लिख दोगे T2 minus T1। कंडक्टिविटी किसको लिखोगे, K को या 2K को? Are you getting it? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मेरा जो फॉर्मूला है वो एक ही कंडक्टर पे अप्लाई कर सकता हूं ना मैं, क्यों ना मैं इन दोनों को मिक्स करके एक ही बना दूं। अरे यार, दो प्लेट्स है ना, ये दो प्लेट को रिप्लेस कर रहा हूं मैं किससे, एक प्लेट से, मतलब किससे, इक्विवेलेंट प्लेट आया ना। इक्विवेलेंट प्लेट का जो थिकनेस होता है वो इसके बराबर ही होता है ना। Yeah. Yes. कुछ भी बदलना yes. नहीं चाहिए। तो ये कितना x और 4x, तो ये अकेला कितना होगा, 5x होगा। Are you getting it? Yes, sir. इसके दोनों तरफ टेम्परेचर कितना है, T2 और T1, तो इसके भी दोनों तरफ टेम्परेचर क्या होगा, T2 और T1 ही होगा। अच्छा, इसका कंडक्टिविटी K और 2K, इसका कंडक्टिविटी कितना, K इक्विवेलेंट ना। क्या बोल रहे हो 3K, थोड़ा तो सोचो, ऐसा किसने सिखा कि दोनों को ऐड कर देना, कल फॉर्मूला क्यों डिराइव किया, K इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड करना था। अरे यू कैन नॉट ऐड डायरेक्ट, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं क्या, अगर डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्यों बनाया था। समझ आ रहा है, तो इसका हाँ थिकनेस ऐड कर सकते हैं, इट्स अ इनर क्वांटिटी, लेंथ है ना, ये अगर 3 होगा, ये 5 होगा, ये 8 ही होगा ना, उसको ऐड कर सकते हैं। K इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट ऐड कर दिया आपने। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि K वेक्टर क्वांटिटी, बोलेंगे उनके रिएक्शन निकालना सिखाओ। समझ में आ रहा है, बड़ा हर चीज को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अरे बेटे, केमिस्ट्री में आपने किया, नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर सकते हो। मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, मेरे पास 1, उसमें आधा मोल और ऐड कर दिया तो टोटल 1.5 मोल हो गया, इसको ऐड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट को ऐड कर सकते हो, गया मान लो एक डब्बा है, एक डब्बे में मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट कितना, इसमें मैंने हीलियम डाला, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो टोटल अगर मैं पूछूंगा कि इस डब्बे में जो भी गैस बन गया अभी उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो ये 4 और 2 6 कर, ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट ऐड दिस, आर यू गेटिंग इट। तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आर यू गेटिंग इट, तो ये स्केलर नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो वेक्टर है, मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्शन निकाल। समझ में आ रहा है, तो चीज को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं बोलता कि हाइड्रोजन का नंबर मोल्स है 1, हीलियम का नंबर मोल्स है 2, और अगर मैं आपको पूछूंगा ना कि इस डब्बे में टोटल कितना गैस है, तो आप बोलते हो 3 मोल गैस है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम मिक्सचर जो भी होगा, और अगर उस मिक्सचर का मैंने मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो ये नहीं कर सकते, 2 6। अरे यार, तो फिर मिक्सचर का मॉलिक्यूलर कैसे निकालना है, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, आगे हम करने वाले ना थर्ड पार्ट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, उसमें मैं बताऊंगा, गेटिंग इट, बट डायरेक्ट ये नहीं कर सकते 4 और ये 2 2 6। उसी तरह कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं होता कि इन दोनों प्लेट को मिक्स करके एक ही प्लेट बना दिया तो ये के है, ये 2K है, 3K हो। अरे यार, हमने तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनाया है हमने, के इक्विवेलेंट कौन सा, सीरीज या पैरेलल? सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, L1 प्लस L2 मतलब क्या, x प्लस अपॉन L1 बाय K1 मतलब x बाय k और L2 बाय, डू यू गेट इट, क्या आपको क्या मिल गया, ks मतलब क्या, k इक्विवेलेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ओके फाइन, व्हाट एल्स, इसको सॉल्व करो ना, ks का वैल्यू दो, कितना हो गया, ये हो गया 5x, और ये क्या, एक काम करेंगे इधर से x अपॉन k कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचा, इधर 1, इधर एक्चुअली 4/2 बचा है, 4/2 मतलब है ना, कितना हो गया ये 5x, इधर क्या x by k, और ये कितना 3 ना, ये x और ये x, कितना हो गया
फाइव के ऊपर गया ना अपॉन थ्री, डू यू गेट इट? तो ये जो दो प्लेट को मिक्स करके आपने इक्विवेलेंट प्लेट बनाया उसका के क्या है? 5k upon 3. Do you get it? Yes. तुम डायरेक्ट ऐड करते तो k कितना लिखते? 3 के लिखते, ऐसे ऐड नहीं होता। अरे समझ आ रही है? 5. तो k s कितना है? k s मतलब क्या? k सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5k by 3. आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ना, बट आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्या? क्या करोगे बोलो? q by t कितना हो गया? यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, q by t क्या हो गया? टेल मी, पहले क्या लिखोगे? k, किसका k? वो पहली वाली प्लेट का, दूसरी वाली प्लेट का, या इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट का k कितना है? 5k by 3. डू यू अंडरस्टैंड? इक्विवेलेंट का एरिया तो यही होगा, आपने एरिया थोड़ी चेंज किया है। और डेल्टा t कितना इक्विवेलेंट के लिए? -t अपॉन हो गया l, l मतलब थिकनेस, थिकनेस कितनी है? 5x. डू यू गेट इट? यहां से ये 5 और ये 5 कैंसिल, समझ में आ रहा है? क्या बचा यहाँ पे? a t2 माइनस t1 और क्या बचा ऊपर k, नीचे कितना? 3x. आर यू गेटिंग इट? ये q by t हमने निकाला है, एक q by t उन्होंने भी दिया। अरे यहीं से तो शुरुआत हुई थी पूरी। एक q by t उन्होंने भी दिया, उनका q by t है a टाइम्स t2 माइनस t1 टाइम्स k टाइम्स f अपॉन आया ना? तो मैंने क्या किया, मेरा जो q by t आया और उन्होंने जो q by t दिया था, उन दोनों को क्या कर दिया? कंपेयर। डू यू गेट इट? ये a क्या हो गया? कैंसिल। t2 माइनस t1 क्या हो गया? कैंसिल। a भी क्या हो गया? कैंसिल। ये x भी कैंसिल हो गया। लेफ्ट में क्या बचा? अब सिर्फ f। राइट में क्या बचा? f की वैल्यू क्या हो गई? 5। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो उन्होंने आपको क्या दिया है? दो प्लेट, एक ही प्लेट दिया बट उसमें दो अलग अलग लेयर दिए। अरे गेटिंग इट? लेयर के टाइम पे आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्या दिक्कत हो जाती है? एक तो लेयर में तो दोनों का के अलग अलग है, तो इधर कौन सा के लिखूं मैं? इसका लिखूं कि इसका लिखूं? पता नहीं, इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया। और यहां पर एक ही बार डेल्टा टी अप्लाई कर सकते हो। किसका डिफरेंस देना मैं, पहले वाले का या दूसरा वाले का? किसी का भी नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? दोनों को मर्ज करके एक बनाना पड़ा। आर यू गेटिंग इट? ये तुमको कैसे सोचना है वो समझ में आ रहा है? पक्का? कॉपी दिस। तो वहां पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए टोटल कंडक्शन के लिए? 9 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू कंडक्शन ओनली, ठीक है? द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट? स्टेडी स्टेडी स्टेट, ठीक है? द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज स्टेडी स्टेट। अब देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक घर पे से कोई भी छोटा सा चाकू ले लो, ठीक है? नाइफ एंड कट योरसेल्फ। टेक अ नाइफ एंड पुट इट ऑन द गैस बर्नर, ठीक है? आपके किचन में होता है, उसको ऑन करो, वहां से जो फ्लेम्स निकलेंगे उस फ्लेम के ऊपर चाकू रखा। अब फ्लेम पे रखने से पहले अगर आप चाकू के ब्लेड को हाथ से छूते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जो रूम टेम्परेचर के आसपास ही होगा। इट इज नॉट दैट हॉट राइट नाउ। अब आप क्या करोगे? उसको गैस पे रखो, एक मिनट रखेंगे थोड़ा गर्म हो जाएगा, 3-4 मिनट रखोगे थोड़ा और गर्म हो जाएगा, 15-20 मिनट रखोगे थोड़ा और गर्म होगा। बट क्या ये चाकू कभी उतना गर्म हो सकता है कि चाकू के अंदर जो भी मटीरियल है वो पूरा मेल्ट हो जाए? मैंने क्या बोला समझा? क्या ये चाकू कभी उतना गर्म हो सकता है कि पूरा पिघला दो उसको, मेल्ट हो गया वो? हो सकता है? नॉर्मल गैस बर्नर से अगर मेटल पिघल जाता तो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े फर्नेस यूज होते क्या? नहीं मेल्ट होगा कभी। अरे गेटिंग इट? तो ट्राई करो अगर मम्मी अलाउ कर रही है। इसमें दो चीजों की, एक तो चाकू काला पड़ जाएगा थोड़ा भी गर्म हो गया था, और उतना गैस तुमको ऑन रखने देगी नहीं तुम्हारी।
आया ना, तो इट्स अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसको डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस काइंड नीड्स टू बी परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स, कॉल योर मदर who will not allow you to do this kind of. But what I meant is, for example, if you have a knife, if you put that knife on a gas burner, 1 minute रखोगे थोड़ा गर्म होगा, 5 मिनट रखोगे थोड़ा और गर्म होगा, 10-15 मिनट रखोगे शायद थोड़ा और गर्म हो जाए, बट ये कितना गर्म हो सकता है उसका एक लिमिट होता है. ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे चाकू को वहीं पे रखो, टेम्परेचर उसका 600 डिग्री, 800 डिग्री, 1000 डिग्री, ऐसा नहीं होने वाला. अरे गेटिंग इट? अगर आपने 4-5 दिन तक गैस को ऑन ही रखा है, तो ऊपर आपने चाकू किया, इसका मतलब ये नहीं कि 5-6 दिन में वो पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होता. मेरा मतलब ये है कि अगर आपने चाकू को रखा भी, डेफिनेटली धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, बट एक ऐसा लेवल आएगा जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो आपको उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको और गैस यूज लाने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? अगर आपके पास एक ही फ्लेम है, आपने फ्लेम को फास्ट स्लो कुछ नहीं करना है, एक करो जो करना है करो, स्लो रखो तो रखना है, फास्ट करना है तो फास्ट रखो. व्हाटएवर यू वांट टू डू, चाकू ऊपर रख दो, अभी फ्लेम ज्यादा करना नहीं है, इसको रख दिया, ठीक है, 5 मिनट गर्म करोगे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 मिनट गर्म करोगे थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा, 15 मिनट गर्म करोगे थोड़ा और, 1 घंटे तक 2 घंटे तक टेम्परेचर बढ़ेगा, बट एक वक्त ऐसा है जब आपका गैस चालू है लेकिन अब इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा. आर यू गेटिंग इट? तो एक अच्छा, अगर आपको इससे और टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? गैस और फास्ट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? बट मैंने पहले ही बोला गैस को और फास्ट करना नहीं. आर यू गेटिंग इट? तो एक लेवल तक ही टेम्परेचर क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. आर यू गेटिंग इट? When you reach that maximum level of temperature, that stage is called as what? Steady state. Are you getting it? Steady state का मतलब क्या होता है? फिर इसका how do you summarize this? किसी भी चीज को गर्म करोगे ना, temperature धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन temperature एक level तक ही बढ़ेगा, level के beyond आप उसका temperature नहीं बढ़ा सकते unless you increase the flame. अरे यार, unless you, we are not going to increase the flame. Are you getting it? तो मान लो I have a rod, ठीक, काफी लंबा rod है, and अभी तक मैंने इसको गर्म नहीं किया, तो पूरे rod का temperature क्या होगा? Room temperature, 25 degree, 26 degree के आसपास पूरा rod है आपका. Are you getting it? अब हम क्या करेंगे? मैंने ना इस तरफ क्या रखा है? बर्नर रखा. क्या मैं पूरे रॉड को गर्म कर रहा हूं? हेलो, क्या मैं पूरे रॉड को गर्म कर रहा हूं? नहीं, आप सिर्फ रॉड का एक एंड को गर्म कर रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या होगा? ये वाला गर्म होगा यार. आर यू गेटिंग इट? ये वाला एंड क्या होगा? गर्म होगा. फिर इसकी वजह से थोड़ा आगे भी गर्म होगा, थोड़ा और ये गर्म होगा, थोड़ा और ये गर्म होगा, फिर ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा? गर्म. आर यू गेटिंग इट? आप ये बर्नर को वहीं पे रख रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूँ, बर्नर को स्लो या फास्ट करना नहीं. एक बार करो जो करना है करो. आर यू गेटिंग इट? इसको भी स्लो या फास्ट करेंगे नहीं. एक नॉब निकाल देता हूँ. सम ऑफ यू मिस द इंटेलिजेंट जोक्स. एनी तो जैसे मान लो स्टार्टिंग में पूरा रॉड कैसा था? हेलो, स्टार्टिंग में पूरा रॉड कैसा है? 25 डिग्री पूरा रॉड, बर्नर अभी तक नहीं है. अब बर्नर आ गया तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो 25 है ना, वो गर्म होकर क्या हो जाएगा? 35. लेकिन अभी तक ये लोग तो 25 पे ही. अब यहां पर 35 हो गया, यहां पर 25 हो गया, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया. टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया तो हीट फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये हीट है ना थोड़ा 35 से 25 पे जाएगा. अब जैसे ही हीट 25 पे गया, 25 भी गर्म होके क्या हो जाएगा? जब तक ये हीट यहां पर गया, इसको और हीट मिला है नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा? 45. आर यू गेटिंग इट? अब ये 35 से 25 यहां पे भी हीट फ्लो करेगा. आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या हो जाएगा? 35. लेकिन जब तक इसने इसको हीट दिया, ये 45 वाला 35 को देगा, तो ये 35 भी क्या हो जाएगा? 45. लेकिन जब तक इसने इसको दिया, ये तब तक और गर्म हो गया, और ये क्या बन जाएगा? 55. डू यू अंडरस्टैंड?
नाउ दिस इज 35 दिस इज 25 तो ये हीट इसीलिए तो टाइम लगता है ना पूरा रॉड गर्म होने में दो पांच मिनट लगेगी शायद 10-15 मिनट भी लगे डिपेंड करता है रॉड का कंडक्टिविटी कैसा है अगर कंडक्टिविटी अच्छा है तो तुरंत गर्म हो जाए कंडक्टिविटी खराब है तो गर्म होने में टाइम लगेगा मगर होगा जरूर अरे यार अगर ये रॉड नहीं है अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है इफ इट्स अ वुड तो गर्म होता ही नहीं इधर आग लगाया ना इधर जल जाएगा कंडक्टिविटी होता ही नहीं है यार उसमें गर्म हो जाता है पूरा कि जल जाता है क्योंकि वुड जो होता है वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है आर वी टॉकिंग अबाउट वुड और द मेटल रॉड अभी ये 35 हो गया ये 25 हो गया तो ये अपना हीट इसको देगा तो ये भी क्या हो जाएगा लेकिन तब तक इसने अभी इसका हीट दिया है ना 45 तब तक ये इसको दिया है तब तक इसने बर्नर से हीट दिया हुआ है व्हाट डिड यू स्टार्ट विद यू स्टार्टेड विद एवरीथिंग 25 नाउ दिस हैज बिकम 35 दिस हैज बिकम ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा आर यू गेटिंग इट मान लो एक वक्त ऐसा आ गया जब रॉड का ये वाला जो एंड है वो बन गया 200 रॉड का ये वाला एंड बन गया 180 समझ में आ रहा है या फिर मान लो ये बन गया 160 रॉड का ये वाला एंड बन गया 140 डू यू गेट इट रॉड का ये वाला एंड बन गया 100 डिग्री पे रॉड का ये वाला एंड बन गया 60 डिग्री पे और ये बन गया 40 डिग्री पे हो सकता है कि नहीं अरे धीरे 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 गर्म हो रहा था ना ये आप कौन से लेवल पे आ चुके हो जब उस वाले एंड का टेम्परेचर क्या हो चुका है 200 उससे थोड़ा आगे 160 थोड़ा और आगे 140 थोड़ा और आगे 160 40 समझ में आ रहा है ऐसे कम होते 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 एंड वाला क्या हो गया था 40 हो गया व्हेन यू स्टार्टेड दिस एंड वाज 25 हुआ ना गर्म 25 से 40 पे तो हुआ अच्छा ये ज्यादा गर्म हो गया लेकिन नीचे ही बर्नर रखा है ये तो ज्यादा गर्म होगा ही ना बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये भी गर्म हुआ अब आप कौन से लेवल पे आ चुके हो 200 मैंने आपको बोला रॉड एक लेवल तक ही गर्म होता है उसके बाद अगर इसको और गर्म करना है ना तो फ्लेम को बढ़ाना पड़ेगा लेकिन हमने 9 बढ़ा दिया अरे यार व्हाट आई मीन इज 9 बढ़ा दिया मतलब क्या आपको फ्लेम चेंज नहीं करना है अब ये कॉन्स्टेंट फ्लेम है अब क्या कितना भी इसको गर्म करो 200 भी रहेगा ये 200 से 210 नहीं होगा आर यू गेटिंग इट क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी रॉड का 200 से ऊपर नहीं जाया जा सकता जा सकता है तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है इसको और गर्म करना पड़ेगा और बर्नर रखने पड़ेंगे जिसको हम फर्नेस बोलते हैं फर्नेस में डाल देते हो व्हाट डू यू कॉल फर्नेस इन मराठी तो उसमें डालना पड़ेगा आपको भट्टी पे जहां पे बहुत ज्यादा गर्म होगा तभी होगा ये 200 का 2000 भी हो सकता है इसको मेल्ट भी किया जा सकता है बट उसके लिए बहुत ज्यादा हीट डालना पड़ेगा विद दिस मच ऑफ फ्लेम यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 200 आर यू गेटिंग इट अब अगर ये 200 है तो ये क्या थोड़ा कम ना ये 140 ये 100 ये 60 ये 40 एक ऐसा स्टेज आ चुका है जब रॉड हर एक पॉइंट का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो चुका है यू कैन इंक्रीज टेम्परेचर बियॉन्ड दिस डू यू गेट इट तो वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर व्हाट हैज हैपेंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड हैज सेम टेम्परेचर नहीं है किधर सेम इसका इसका 160 है एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड हैज रीच्ड टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अरे गेटिंग इट इस पॉइंट का अब टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जा सकता जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तब मैं बोलूंगा कि ये जो रॉड है इट इज इन द स्टेडी स्टेट क्या बोलूंगा मैं रॉड इज इन द स्टेडी स्टेट डू यू अंडरस्टैंड दिस समझ में आ रहा है तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है समझा स्टार्टिंग में ये कितना था याद है अगर आपको 25 जब वो 25 से 50 पे आया ना तब वो स्टेडी स्टेट पे नहीं क्योंकि देखो ना ये 50 70 हुआ 100 हुआ 120 हुआ 140 हुआ अब ये 200 आ चुका है अब ये 200 से ऊपर जा नहीं सर इसलिए मैं बोलूंगा कि जब ये 200 पे आ गया ये 160 के ऊपर नहीं जा सकता अरे यार अनलेस आप बर्नर शिफ्ट कर दो बट ये सब मस्ती नहीं करना अरे यार अरे गेटिंग इट अब ये क्या लिखा मैंने वी हैव रीच्ड द स्टेज वेयर एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड हैज रीच्ड अ जब ऐसा
जाएगा ना तो हम बोलेंगे कि आपका ये जो रॉड है वो कौन से स्टेज में जा चुका है, स्टेडी स्टेट। आर यू गेटिंग इट? व्हाट हैपेंस इन द स्टेडी स्टेट वो समझते हैं। स्टेडी स्टेट पे होता क्या है? स्टेडी स्टेट पे कुछ ये होता है कि मान लो आपका ये जो रॉड है ना, मान लो दिस रॉड कुछ तो लेंथ होगा, मैं आपको बोलता हूं इस रॉड का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग इट? What is the length of the rod? 25 centimeter. Do you understand this? अब 25 centimeter तो किसी scale से measure किया होगा ना? तो यहाँ पे scale क्या दिखा रहा होगा? Zero. यहाँ पे 5. Do you get it? 10, 15, 20. ये 25 centimeter का marking है. क्या ये समझ में आ रहा है? 0, 5, 10, 15, 20, 25 centimeter का marking. Are you getting it? Steady state में कुछ ऐसा होता है कि आप किसी भी दो पॉइंट को देखो, उनका टेम्परेचर डिफरेंस और उनके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा सेम हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको ना नाम दे देता है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई और एफ। मैंने क्या बोला, क्या सेम होता है? उनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस और उनके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस का रेशियो हमेशा सेम होता है। आर यू गेटिंग इट? जैसे कोई भी दो पॉइंट बोलो, तुम बोलो ए बी सी डी ई एफ, कोई भी दो का मुझे पेयर बना के दो, व्हाटएवर यू से। ए डी देखता हूं मैं, कोई देख सकते हो आप, मैं बात करता हूं किसकी? ए डी। ए का टेम्परेचर कितना है और डी का? दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 200 माइनस 100। अरे हाँ ना, ए का डिस्टेंस कितना है? जीरो। अरे ए तो स्टार्टिंग में ही है और डी कहां पर है? 15 पे। डू यू गेट इट? ये कितना आ गया? 200 माइनस 100। 200 माइनस 100 कितना है यार? अपॉन माइनस, इधर रखो 15। समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 5 से कट होगा ऊपर 20, 5 से कट होगा नीचे कितना? अरे हाँ है ना, ये आंसर किसका आया? ए डी का। और कुछ बोलो। बी ई देखते हैं, बी ई, हाँ, पॉइंट बी का टेम्परेचर कितना है और ई का? बी का डिस्टेंस कितना है? 5 ना, और ई का? 160 माइनस 60, 5 माइनस 20, 5 से कट होगा 20 और ये 3, रेशियो कितना आया? Do you get it? तो आपने ए डी और बी का देखो, और किसी का भी देख सकते हो आप, यू कैन टेल मी एनीथिंग। सी एफ देखते हैं, सी एफ, तो अगर आपने सी से लेकर एफ तक का देखा, सी का टेम्परेचर कितना है? 140, एफ का 40, सी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस और एफ का 140 माइनस 40 100, 10 35, किसका किसका बोला मैंने? ना, बी और डी का डिफरेंस कितना आ रहा है? यस यस, अगर आप बी और डी का देखोगे तो बोलो बी का कितना है? 160, डी का कितना? 100, बी का डिस्टेंस 5, डी का डिस्टेंस 15, 160 माइनस 100 और 5 माइनस 15 माइनस 10, ये कितना आ रहा है? Did I make a mistake somewhere? Yes. क्या मिस्टेक हुआ? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। That was just a coincidence. अच्छा, A to D में तीन का डिस्टेंस है और B to E में भी तीन का डिस्टेंस है। ओके, और C to, oh, that was just a coincidence. एक्चुअली मुझे ना डेटा थोड़ा गलत हो गया, दिस आई शुड हैव टेकन एज 120,
This I should have taken as 80. This I should have taken as 40. And this I should have let it be like 0. है ना? Okay, let's do it again then. A to D में क्या हो जाएगा? A is what? 200. D is what? 80. Yes. तो ये कितना हो गया? 200 कितना? 200 minus 80 कितना? 120. नीचे कितना है? 15. तो ये 15 8s है. है ना? तो इसका रेशो कितना आ रहा है? माइनस है. अच्छा, B to E में क्या हो जाएगा? 160 minus 40. और ये क्या हो गया? B किधर है? 5 पे. E किधर है? 20. E is at 20. तो 160 minus 40 कितना? 120. और ये 5 पे से 20 किया तो 15. तो ये B कितना आ जाएगा? माइनस. Are you getting it? अच्छा, C to F में क्या हो जाएगा? C is 120 and F is F is 0. अच्छा, C किस डिस्टेंस पर है? 10. C is at 10. F is at 20. 20 minus 0 is 120. Are you getting it? But 10 minus 15 कितना? 10 minus 25 minus 15. ये भी कितना आ गया? Minus 8. तो सब में कितना आ रहा है? अब वहाँ पे भी देख लेते हैं. B कितना है? B is at 160. D कितना है? D is at 80. B is at what distance? 5. D is at what distance? 15. 160 minus 80. 60 minus 80 कितना? 80. और 5 minus 10. तो कितना आ रहा है? 8. हमने कितने कितने का डिस्टेंस लिया? 3-3 का. बट इधर कितना लिया? 2. Are you getting it? एक का लिया तो भी चलेगा. D लेते हैं. D का टेम्परेचर? E का? E का 40 ना. D का डिस्टेंस और E का 80 40. 15 माइनस 20 कितना? आर यू गेटिंग इट? तो आप दो का डिस्टेंस लो, तीन का डिस्टेंस लो, फर्क नहीं पड़ता. आर यू गेटिंग इट? क्या चीज आप कब से निकाल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? दो पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस उनके बीच के डिस्टेंस के डिफरेंस का रेशियो हमेशा कैसा आता है? This ratio is given a name. It is called as temperature gradient. क्या कहते हैं इसको? Gradient word का मतलब आपको धीरे धीरे समझेगा. But as of now, ये जो ratio है, किसका ratio है ये? Is the ratio of किसी भी दो point के temperature का difference और उन्हीं दो point के distance का difference का रेशियो इज ऑलवेज. लेकिन ये सेम कब आएगा? जब आपका रॉड कौन से स्टेज पहुंच चुका है. अगर आपका रॉड अभी तक स्टेज में पहुंचा नहीं है तो ये सब आप अप्लाई कर सकते. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? सो रिमेंबर, व्हाट इज स्टेडी स्टेडी स्टेट? क्या होता है स्टेडी स्टेट? मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पर आपके रॉड को कितना भी गर्म करो, आप किसी का भी टेम्परेचर बदल ले नहीं है. सारे पॉइंट्स का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो चुका है? कॉन्स्टेंट. आर यू गेटिंग इट? व्हाट एल्स? किस निकालते हो आप? कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर. आर यू गेटिंग इट? एंड ये सारे जो एग्जांपल्स दिए, ए डी बी ई सी एफ डी ओ डी, एग्जाम्पल्स है ये दिखाने कि कोई भी दो पॉइंट ले लो उनका जो हमेशा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमेशा कैसा आता है? सेम. आर यू गेटिंग इट? अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव. देखो ना यार, -8 -8 जगह पे ये कैसा माइनस? क्यों नेगेटिव आ रहा है ये? दिस इज नेगेटिव, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव. उसका रीजन क्या है? Because with increase in distance, temperature falls. समझ में आ रहा है? अरे जब डिस्टेंस बढ़ता है, देखो ना, जब डिस्टेंस था 0, टेम्परेचर 200, डिस्टेंस बढ़ गया 20 हो गया, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट टेम्परेचर क्या हो रहा है? अरे आया ना, जहां पर सोर्स है उससे जितना दूर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. तो वही तो हो रहा है. तो इसलिए ये हमेशा कैसा आता है?
negative. It is negative because with increase in resistance, temperature falls. फिर क्या लिखो ज्यादा सही, टेम्परेचर डिक्रीजेस. ये समझ में आपको पक्का? ओके, ये एक चीज है. दूसरा आपने ये सुना है, व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अरे हाँ ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ. रेट का मतलब क्या, किसी भी चीज को जब टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हो तब उसको क्या बोलते हो? उसी तरह किसी भी चीज को जब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हो तो उसी कहते हैं ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ऑल्सो मीन्स स्लो, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. एज ऑफ नाउ क्या बोला मैंने, किसी भी चीज को जब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? ग्रेडियंट. डू यू अंडरस्टैंड? जैसे रेट मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वैल्यू बन गया वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम. समझ में आ रहा है? yes. तो किसी भी चीज को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में हो उसको आप क्या वर्ड यूज करते हो? रेट. उसी तरह किसी भी चीज को जब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बढ़ते हो, समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग इट? तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक वर्ड आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो उसमें क्या होता होगा, पोटेंशियल को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहां पर ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर को पढ़ रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, तो किसी भी क्वांटिटी को जब आप पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वी मोस्टली यूज व्हाट लेटर आई मीन व्हाट वर्ड? डू यू गेट इट? पक्का? और यहां पर हमेशा ग्रेडियंट नेगेटिव क्यों आ रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर. डू यू गेट इट? दिस what you are under what? समझ में आ रहा है? इसको आप कॉपी करेंगे अच्छे से. When you are copying, क्या लिखोगे आप? पहले तो heading लिखो steady state and then you write down this thing. और फिर ये diagram बना लो, इसका total length बना लो. और फिर ये formula लिखो, इसके बाद ये चीज लिखो. अच्छा, temperature gradient का unit क्या होगा? ऊपर क्या है? temperature का difference. temperature difference मतलब क्या? Kelvin. टेम्परेचर माइनस तो टेम्परेचर ही बनेगा ना, तो ये क्या हो गया? केल्विन. डिस्टेंस है मतलब क्या? पर आर यू गेटिंग इट? इसको आप ऐसे लिख सकते हो केल्विन पर मीटर. अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके. एक और यूनिट होता है, आप इसको केल्विन का बिना ऐसा भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस पर मीटर और डिग्री सेल्सियस पर मीटर. क्या ये दोनों ही ऐसा यूनिट है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? मैं क्या बोलता हूँ, केल्विन की जगह पर डिग्री लिखा तो भी चलता, ऐसा क्यों? समझो, आपको कन्वर्जन पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन का? केमिस्ट्री में हुआ है. अगर कोई भी चीज डिग्री सेल्सियस में दी गई है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो? मान लो 273.15 हटा दो, मोटा मोटा ऐड करोगे आप. मान लो एक चीज का टेम्परेचर है 27, ठीक है, तो 27 को केल्विन में किया तो क्या होगा? 300 केल्विन प्लस 273 करोगे. समझ में आ रहा है? इसको मैंने फ्रिज में रखा और ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री. अरे गुड, तो केल्विन कितना हो गया? अरे करो ना. तो डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो यहाँ पे क्या आंकड़ा है? 27 और 300 सेम है. यहाँ पर क्या है? 17. यहाँ पे क्या है? 290. They are not same. अरे बेटे, लेकिन अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 27 में से 17 गया और 300 में से 290 गया तो अरे बेटे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी नहीं होता, लेकिन डिग्री सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट करो और केल्विन में सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर सेम. अरे यार, समझ में आ रहा है? ये ऐड किया था, इधर भी 273 ऐड किया था, समझ में आ रहा है? तो 27 डिग्री मतलब 300 के, 17 मतलब क्या? 290. 27 और 17 क्या है? 10 का. तो 290 में भी डिफरेंस नहीं है ना. इसका मतलब क्या, अगर मैं डिग्री सेल्सियस सेम है तो मैं सही हूँ.
डिग्री सेल्सियस केल्विन के जितना नहीं है, लेकिन डिफरेंस निकालते हो डिग्री सेल्सियस में तो चाहे केल्विन में निकालो। बात एक ही है, मैं यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस ही निकाल रहा था, डिफरेंस निकालो तो केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो, बात एक ही। अरे आर यू गेटिंग इट? तो रिमेंबर डिफरेंस ये किस में निकाला मैंने, डिग्री सेल्सियस में, डिफरेंस किस में, बात एक ही है। तो यहाँ डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं ना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस लिखा तो चलता है। यूनिट समझ आपको पक्का? हाँ, तो व्हाट डिड आई से, पहले आप लिखोगे स्टेडी स्टेट, फिर आप लिखोगे छोटा सा डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं है, दिस इज समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। देन यू विल ड्रॉ देन दिस, और ये दोनों पॉइंट फिर ये पांचों एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट, एक टेम्परेचर ग्रेडिएंट वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया गया। एक ऐसा स्टेज जिसके बियॉन्ड आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते। तो अगर पॉइंट ए का टेम्परेचर 200 हो गया तो अभी वो 200 ही है, इट विल नॉट इंक्रीज अनलेस यू चेंज द फ्लेम, पर वो सब अपने को करना नहीं। फॉर दिस फ्लेम ए का टेम्परेचर कैन नॉट गो बियॉन्ड 200, ये 160 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 120 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब ऐसा स्टेज आ गया जहां सारे पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो चुका है, कॉन्स्टेंट, वी कॉल इट एज व्हाट, टेल मी, स्टेडी स्टेट। और अगर एक बार ये स्टेट पे आप पहुंच गए उसके बाद क्या होगा, एक टेम्परेचर ग्रेडिएंट करके एक नई फिजिकल हमने पढ़ी जिसमें क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी, पहला और आखिरी, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा उनका रेशियो, उसका नाम क्या है, सारे पॉइंट का जो टेम्परेचर ग्रेडिएंट होता है -8 -8 -8 -8 -8 टेम्परेचर का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, लेकिन उसके लिए रॉड को कौन से स्टेट पे जाना पड़ेगा। और एक डाउट जो था वो क्या था कि अगर ये 200 पहुंच चुका है पर नीचे बर्नर है, मैंने क्या बोला, आप बर्नर रखो 10 दिन भी अगर बर्नर रखा तो मैं बोलता हूँ 200 से ऊपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि अगर ये बर्नर रखा है तो बर्नर का जा किधर रहा है, बर्नर का एनर्जी यूज हो रहा है टू मेंटेन 200। अरे लाइफ में कभी भी कुछ कर लोगे ना उसका मतलब ये नहीं कि करना बंद कर दो, वो जो अचीव किया है ना उसको मेंटेन करने के लिए भी लगता है, डोंट यू अग्री? तो अगर ये 200 पे पहुंच गया फिर उसको 200 पे मेंटेन करने के लिए भी नीचे बर्नर लगेगा, बट अब ये बर्नर 200 बढ़ा नहीं सकता, अब ये सिर्फ मेंटेन करेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल व्हाट, टेल मी, स्टेडी। ये पांचों लिखे अपने ए डी बी ई सी एफ बीडी और डी के पांचों एग्जांपल, रॉड का डायग्राम वायग्राम, ये फॉर्मूला, टेम्परेचर ग्रेडिएंट इज ऑलरेडी, बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। और यूनिट क्या, केल्विन पर मीटर या फिर डिग्री सेल्सियस पर मीटर। केल्विन और डिग्री सेल्सियस ओरिजिनली सेम है बट उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो अगर आपको टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट ही करना है, केल्विन में सब्ट्रैक्ट करो या डिग्री सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? एक सेकंड, क्वेश्चन करेंगे, ओके, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करके वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ए स्टॉप टॉकिंग, वन एंड ऑफ द आयरन रॉड ऑफ 50 cm One end of the iron rod of the length 50 centimeter is kept in contact with steam bath. And the other इन कॉन्टैक्ट विथ आइस। ये मैंने आपको क्या बता दिया, रॉड की एक तरफ टेम्परेचर स्टीम बात और दूसरी तरफ टेम्परेचर कितना, बट डायरेक्ट बोला तरीका अलग था, बट राइट, द अदर इन कॉन्टैक्ट विथ आइस, द रॉड हैज रीच्ड इन द स्टेडी स्टेट, रॉड हैज रीच्ड द स्टेडी
स्टेट फुल स्टॉप एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हॉटर एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हॉटर एंड फ्रॉम द हॉटर वॉटर नहीं रे हॉटर एंड हॉटर एच टी टी आर वॉटर सुनाई दिया तोतला बोलता हूँ क्या एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द हॉटर एंड द टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आपको खुद से सोचना पड़ेगा आपके पास एक रॉड दिया है उन्होंने रॉड का मटेरियल वर्टिकल कुछ मालूम है क्या पढ़ो एक बार आयरन रॉड ठीक है मटेरियल मालूम भी तो कुछ फायदा नहीं है उसका कुछ लुक एट दिस सो दिस इज अ रॉड ओके इस रॉड का लेंथ क्या है 50 सेकंड इस जगह पे टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री और इस टेम्परेचर क्या है ये कैसे मालूम पड़ा स्क्रीन होगा आई द सॉन्ग होगा जीरो है ना अच्छा सुनो अभी यहां पे 100 है तो इस जगह पे क्या होगा 100 से कम या ज्यादा एग्जांपल 80 फिर इधर 60 50 40 धीरे-धीरे कम होते जाएगा आप जितना उतना टेम्परेचर धीरे धीरे उन्होंने क्या पूछा 100 और 0 के बीच में कोई तो एक पॉइंट होगा टेम्परेचर 75 डिग्री होगा इस पॉइंट का हॉट एंड से डिस्टेंस क्या है इज द क्वेश्चन डिड यू गेट इट अब क्वेश्चन पढ़ो वापस एन आयरन रॉड लेंथ ऑफ हाउ मच 50 सेंटीमीटर जिसका एंड किस कॉन्टेक्ट में है स्टील के कॉन्टेक्ट जिसका दूसरा एंड किस कॉन्टेक्ट में है आइस के साथ मतलब ये 100 हो गया ये 0 हो गया लेंथ कितना है 50 कहीं बीच में कोई तो जिसका टेम्परेचर 75 होगा यार उन्होंने क्या पूछा कि जो 75 डिग्री टेम्परेचर है वो पॉइंट हॉटर एंड से ये वाले एंड से पूछा होता तो मैं ये ले लेता अभी हॉटर एंड से पूछा है तो ये 100 आर यू गेटिंग इट यू वांट अ मिनट टू क्वेश्चन बताया मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बताया मैंने डायग्राम भी दे दिया और एक हिंट देता हूं कि कॉन्सेप्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट का ही यूज होने वाला है चलो टेक अ मिनट एंड थिंक एक काम दिया तुमको खाली एक काम ओके सो व्हाट डिड वी डू यहां पे पहले तीन पॉइंट ले लिए ए सी इज द हॉटर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस सी इज द आई पॉइंट 0 डिग्री और बी पॉइंट टेम्परेचर क्या है 75 डिग्री आपको क्या पूछा गया है ये जो बी है वो डिग्री से कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितनी दूर अरे गेटिंग इट एंड व्हाट डिड वी डू ए और बी के बीच में क्या ले लो टेम्परेचर ग्रेडियंट ए और सी के बीच में भी क्या ले लो कोई भी दो पेयर ले लो उनके टेम्परेचर ग्रेडियंट को क्या कर दो इक्वेट कर लो अभी मैंने ए बी और ए सी आप ए बी बी सी ले सकते थे अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या कोई भी दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस और दो पॉइंट में डिस्टेंस का डिफरेंस अब ए बी की अगर बात करें ए बी एबी का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बोलो 100 माइनस 7 और डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा ए इज एट 0 पॉइंट बी इज एट एक्स पॉइंट सी इज एट अरे यार ये पूरा 50 है तो ये 50 ये अगर ये 0 हो तो ये 50 हुआ ना और बी कितना दूर है एक्स पे तो ए कितना डिस्टेंस पर है 0 बी 0 माइनस एक्स ना यस इज इक्वल टू ए और सी का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है ए का कितना टेम्परेचर सी का 0 ए का डिस्टेंस 0 सी का डिस्टेंस 50 इस पूरी चीज में अननोन क्या दिख रहा है खाली एक्स मिलेगा ही मिलेगा 100 माइनस 75 25 अपॉन माइनस एक्स 100 माइनस 0 100 0 माइनस 50 ये माइनस और ये माइनस हटा दो
आया ना, ये 50 से 100 2 से कैंसिल होगा और ये 2 नीचे आएगा, 25 by 2 12.5, therefore x is equal to what? 12.5 centimeter from which end? Hotter. From the hotter end. Do you get it? Yes sir. क्या एक क्वेश्चन समझा? Yes. किसी का आया तो सही. Oh ho ho, इतने लोगों का क्या बात? Nice. तुम्हारा क्या आया था सारा? You said 7.5 के आसपास. 12.5 क्या झूठी 7.5 बोला था अभी मैं वहां पे आया तो फाइन. आर यू डन फॉर द टाइम? ओके आई ओवरशॉट. चलो इसको बंद कर दो.